फ्रेंड्स, मैं हूं बंटी सैनी और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को गूगल पिक्सल पे कैसे बदल सकते हैं। तो आपको दो एप्लीकेशन डालनी है। पहली एप्लीकेशन का नाम है नोवा लॉन्चर। तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, नोवा लॉन्चर टाइप करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए हम ओपन करते हैं। आपको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, स्वाइप अप पे क्लिक करना है एंड अप्लाई कर देना है। नोवा लॉन्चर पे क्लिक करना है एंड सेटिंग पे जाना है। इसको डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट करना है नोवा लॉन्चर पे, फिर सेटिंग पे जाना है। आपको डेस्कटॉप जाना है, डेस्कटॉप ग्रिड पे जाना है और डन कर देना है। बैक सेकंड ऐप एंड विजिट्स पे जाना है। आपको फाइव पे क्लिक करना है, बैक जाना है, फोल्डर्स पे जाना है, लाइन से ग्रिड पे कर देना है, सर्कल से आपको स्क्वायर पे करना है और बैक जाना है। और फिर आपको एक और लॉन्चर ऐप डालना है जिसका नाम है गूगल पिक्सल आइकॉन पैक। आपको सिंपली टाइप करना है नोगट यूआई आइकॉन पैक। आपको जो सबसे फर्स्ट में आएगा उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल करके रखा है इसलिए हम इसको ओपन करते हैं। आपको बस इसको क्लोज कर देना है, फिर जितने भी फ्रंट पे आ रहा है आपको हटा देने, जितने भी हैं। फिर आपको इस पे गूगल पे क्लिक करना है, एडिट पे जाना है और गूगल पे लास्ट वाले पे क्लिक करना है और जी पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका गूगल पिक्सल जैसा हो जाएगा। आपको फिर सेटिंग में जाना है, लुक एंड फील पे क्लिक करना है, सिस्टम पे जाना है, पिक्सल आइकॉन पैक पे क्लिक करना है और बैक करके देखना है, आपका फोन पूरा गूगल पिक्सल की तरह हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।